नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दल बदल, तोड़फोड़, जोड़ जुगाड़ के साथ साथ जन सरोकारी राजनीति भी धीरे धीरे उफान पर आने लगी है। किसान, नौजवान, छात्र, बिजली, सिंचाई और अब पेंशन को भी चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिशें जारी हैं। समाजवादी पार्टी ने पेंशन का दांव भी चल दिया है। मंथन में आज बात, यूपी में चुनाव, पेंशन पर दांव। समाजवादी पार्टी लगातार जहां एक तरफ हिंदुत्व अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण, हिंदुत्व दंगे फसाद, इस तरीके के मुद्दे उत्तर प्रदेश के चुनाव में उछाले जा रहे हैं, वहीं विकास, अभी 15 दिन पहले, अगर आप 15 दिन पहले की राजनीति देखें, जो चुनावी राजनीति है, 15 दिन पहले उत्तर प्रदेश में विकास 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 की बात हो रही थी। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक चारों तरफ विकास की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि विकास की बहार ही इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहेगी, ये विकास की बहार आएगी और बयार विकास की ही बहेगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है तो लगातार हिंदू मुसलमान का मुद्दा, दंगों का मुद्दा, अपराधीकरण का मुद्दा और परिवारवाद, बार बार परिवारवाद आता है। लेकिन ये मुद्दा उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी हर बार खुद ही अपनी पार्टी के अंदर के परिवारवाद और अपने इसके नेता अपने बयानों में उलझ जाते हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव, अगर पिछले 3 दिन का उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अखिलेश यादव ने सबसे पहले अन्न की शपथ ली, अन्न का संकल्प लिया दोनों हाथ यूं करके किसानों के साथ में, और किसानों को एक संदेश दिया कि वो किस तरीके से चीजों को करेंगे और किसानों के साथ कैसे वो खड़े हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमारे कार्यकर्ता अब घर घर जाकर सूची बनाएंगे और उन्होंने एक काम शुरू करा दिया और इसको उछाला कि 300 यूनिट बिजली किसे किसे चाहिए, लिस्टिंग हो रही है। तो किसे नहीं चाहिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली? वो कह रहे हैं जब हमारी सरकार आएगी तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली हम देंगे। तो हर आदमी समाजवादी पार्टी के इस सर्वे में शामिल होना चाहता है कि भाई हमारा भी नाम लिख लो, अगर सरकार आ गई तो मुझे कम से कम ये तो रहेगा कि भैया आपने जो लिस्ट बनाई थी उसमें हमारा भी नाम है। लगातार 2 दिनों से जन सरोकारी मुद्दे, जो जनता से सीधे जुड़े मुद्दे, किसानों का मुद्दा, नौजवानों का मुद्दा, मुफ्त बिजली का मुद्दा, और आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के करीब 18 लाख पेंशन भोगी महिलाओं को टारगेट किया है। उत्तर प्रदेश में करीब 18 लाख पेंशन भोगी महिलाएं हैं जो बेहद गरीब और जरूरतमंद हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार में इन्हें 6000 रुपया सालाना, यानी 500 रुपये महीने पेंशन मिलती थी। इसमें विधवाएं हैं, बहुत वृद्ध हैं, विधवाएं हैं, तमाम तरीके की जो अपने जीवन को बमुश्किल वो जी पाती हैं, ऐसी महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। अखिलेश यादव ने आज ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में काबिज होती है, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन अगर उन्हें मौका देती है सरकार बनाने का उत्तर प्रदेश में, तो वो ये पेंशन की राशि, जरूरतमंद गरीब महिलाओं के लिए जो पेंशन की राशि है, इसे 500 से बढ़ाकर 1500 कर देंगे, यानी तीन गुना, यानी 18000 रुपया साल। एक ये ठीक ठाक राशि है, 1500 रुपये महीने अगर किसी जरूरतमंद विधवा वृद्धावस्था को, वृद्ध महिला को पेंशन मिलेगी तो उसका जीवन आसान होगा, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं है, जो संघर्ष में जीते हैं, अभावों में जीते हैं, जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए 1 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये की कीमत बहुत होती है और 1500 रुपये उनके लिए बहुत बड़ी राशि है। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने समय समय पर आशा बहनों के मानदेय को बढ़ाने की बात की है, तमाम
जो अन्य तरीके के जो कैजुअल सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं कैजुअल वर्कर्स, गांव में तमाम तरीके के जो जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे आशा बहने हों, चाहे अन्य जो कार्यकर्तियाँ हों, वो उनको एक तरीके से वो स्वास्थ्य के लिए जो स्वास्थ्य कार्यकर्तियाँ हैं, स्वास्थ्य के लिए और भी काम करती हैं आशा बहनों के अलावा, जो डोर टू डोर सर्वे करती हैं, तो ऐसे ऐसे लोग ई सहेलियाँ हैं, तो इस तरीके की जो बिजली का बिल जाके भरती हैं, तमाम तरीके के काम करती ई सहेलियाँ, उनकी एक पिछले दिनों शिकायत आई थी कि 75,000 का जो डिवाइस उन्हें दिया गया है वो उसकी वसूली उनके उनसे की जा रही। तो इस तरीके की समस्याओं की तरफ भी समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से अपनी जो राजनीति, जो अपनी चुनावी राजनीति है, उसको फोकस किया है। ये एक अच्छा मुद्दा है। अखिलेश यादव को सुनेंगे कि उन्होंने आज किस तरीके से उत्तर प्रदेश की चुनावी विसात में पेंशन का दांव चला है। अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है, इसीलिए मेरी अपील है जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखवाएं, और जिनके पास अभी घरेलू कनेक्शन नहीं है पर जो भविष्य में लेने वाले हैं, वो सभी लोग राशन कार्ड या आधार कार्ड में लिखा हुआ नाम ही लिखवाएं। ये अभियान समाजवादी पार्टी का कल से शुरू होने जा रहा है। 300 यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। इसके लिए मैं कहूंगा कि तेजिंदर ब्रिक्स जी हमें संकल्प दिलाएं, और तेजिंदर ब्रिक्स के साथ साथ हम अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ता किसान भाइयों से कहेंगे कि संकल्प लें, अन्य संकल्प लें और भारतीय जनता पार्टी को हराएं और हटाएं। समाजवादी पेंशन योजना के तहत बड़ी संख्या में गरीब जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी मदद करने का काम हो रहा था, और मुझे याद है कि 50 लाख के लगभग उस समय समाजवादी पेंशन से गरीब परिवारों की मदद हो रही थी। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्ध जरूरतमंद महिलाएं, बीपीएल परिवार, उनको प्रतिवर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में किया जाएगा। पहले ये योजना जो समाजवादी पेंशन योजना थी वो साल में 6,000 रुपए मिलते थे, और लगातार बुंदेलखंड का कोई गरीब परिवार नहीं मिला रहा होगा जिसको समाजवादी पेंशन से जुड़ा न गया हो। इसी तरह मुझे याद है कभी कभी मैं जब टीवी में देखता था कि कोई खबर ऐसी है जहां पर गरीब परिवार के साथ संकट या परेशानी में है, तो उनको समाजवादी पेंशन से जोड़ करके उन परिवारों की मदद की जाती थी। अखिलेश यादव ने कहा कि जब वो सरकार में थे 2012 से 2017 तक, तो करीब 50 लाख लोग समाजवादी पेंशन से लाभान्वित होते थे। उसमें बीपीएल परिवार भी हैं, महिलाएं, वृद्ध महिलाएं, बहनें, तमाम लोग थे। अब 5 सालों में एक आंकड़ा है, समाजवादी पार्टी का एक आंकलन है कि 17-18 लाख लोग और इसके पात्र हो गए होंगे, बढ़ गए होंगे, जिनका हमने जिक्र पूर्व में किया कि करीब 18 लाख महिलाओं परिवारों को और वो टारगेट कर रहे हैं, जो बीपीएल परिवार हैं, गरीब महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, विधवा हैं, तमाम तरीके के जो चीज़ें हैं। और कहीं अगर अकाल, कहीं कोई अचानक कोई आपदा, कोई हादसा अगर हो जाता था, तो अखिलेश यादव ने खुद जिक्र किया कि वो समाजवादी पेंशन से उस परिवार को कम से कम जीने का एक रास्ता बन जाता था। लेकिन उनका कहना था कि भाई इस मौजूदा सरकार ने वो पेंशन भी बंद कर दी, अगर वो सरकार में आएंगे तो 50 लाख वो और जो नए पात्र हैं उनको भी हम समाजवादी पेंशन देंगे, और जो पिछली सरकार थी उसके कार्यकाल के मुकाबले 3 गुना, यानी
कि 1500 रुपए एक अच्छा कदम है, जन सरोकारी राजनीति की तरफ एक अच्छा कदम है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और जो लोग आलोचना कर रहे हैं या जो दल आलोचना करें तो वो इससे बेहतर गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए, बीपीएल परिवारों के लिए इससे बेहतर कोई और योजना, पेंशन योजना लाएं, क्योंकि ये लोग कह सकते हैं भाई हम उनको अन्न दे रहे हैं, लेकिन कब तक, कभी तो बंद करेंगे ना अब तो, ये तो पेंशन अनवरत चलती रहती है। तो ये जन सरोकारी राजनीति और जो जमीन पर काम करने, जो हमने अखिलेश यादव के 3 योजनाएं आपको बताई कि किस तरीके से चुनावी जो शोर है, अब उतना रैलिया वलिया तो है नहीं, तो उतना शोर नहीं है, लेकिन कम से कम डिजिटल है, हल्ला गुल्ला, बयानबाजी, तरह तरह के, कहीं कोई ज्वाइन कर रहा, कहीं कोई ज्वाइन कर रहा, वास्तव में कोई छत्रप उत्रप नेता नहीं होता, जनता ही छत्रप होती है, और जो जिसके भाग्य में उसने लिख दिया है वो होकर रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने एक जन सरोकारी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, किसानों की बात की है, बिजली की बात की है और पेंशन की बात की, ये 3 मुद्दे बड़े अहम हैं। जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कांजी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम कांजी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन के न्यूज पर आपका। अगर मुझे आप सुन पा रहे होंगे उस वक्त जब मैं इन योजनाओं के बारे में बात कर रहा था, एक तो उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीति और इस तरीके के जन सरोकारी जो मुद्दे हैं चुनाव में, इनको लेकर क्या नजरिया है आपका? हम कल्याणकारी राज्य है, ये जो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है जी, तो उसमें हर किसी व्यक्ति और खासतौर से आम नागरिक जो है, जो साधारण व्यक्ति है, जो असमर्थ व्यक्ति है, जो असहाय व्यक्ति है, जो दलित है, जो वंचित है, उसको सुविधा देने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। ये हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ये कर्तव्य होता है जी। उसके तहत चुनाव के पहले ये घोषणा जो की है, जो ऐलान किया है अखिलेश यादव ने, वास्तव में लुभावना है, आकर्षक है, और इससे लोग प्रभावित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपने अभी जब विश्लेषण कर रहे थे इन योजनाओं का, अन्न संकल्प और पेंशन योजना और बिजली की कंसेशन वाली फ्री बिजली की योजना, तो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि ये दांव चला है अखिलेश यादव ने। अब देखना यह है कि वास्तव में ये दांव जो चला है तो इसके काट में विपक्ष क्या दांव चलता है, क्या वो इससे भी बेहतर विकल्प में कोई प्रस्ताव देता है। अब बात एक ये है कि घोषणा पत्र इनका आए और उसके बाद में घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का आए, इस समय मुख्य जो सिनेरियो है उसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में मुख्य टक्कर है जी। तो ऐसी स्थिति में ये बात जरूर है कि ये इनका दांव चलता है कि नहीं चलता है। मैं आपको एक याद और दिलाना चाहूंगा, जब 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, आपको याद होगा कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने एक ये घोषणा की थी कि जो किसान सम्मान निधि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो किसान सम्मान निधि की बात कही थी और किसानों को मिलने भी लगा था, तो उस पर हमने भी पत्रकार होने के नाते एक सर्वे किया था गांव में जाकर के। तो वहां हमने पूछा कि भाई कहां 2000 रुपए तिमाही और कहां आपको ये 6000 रुपए हर महीने और 72000 रुपए सालाना, तो 6000 के बनिस्बत 72। तो उन्होंने कहा कि 6000 के बनिस्बत ये 72 का मसला एक ये है कि इतने किसान हैं, इतना बजट होगा, कितने लोगों को ये दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इस पर विश्वास कर पाना मुश्किल है। एक जो हाथ में हमारे चिड़िया है वो 2 चिड़िया जो झाड़ी में है उससे बेहतर है। तो एक ये बात चलती थी। अब वही बात एक ये है कि कैडर ने संदेह समाजवादी पार्टी के पास भी है और इस समय जो माहौल चल रहा है उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ और अखिलेश यादव की तरफ बहुत से लोग आकर्षित भी हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कैडर जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो आरएसएस का कैडर है, वो इनकी बात को किस तरह से प्रचारित करता है, किस तरह से
उसमें अपना नमक मिर्च लगाता है और किस तरह से इनकी बात को जनता के अंदर जो विश्वास बैठ रहा है उस विश्वास को किस तरह से तोड़ने की कोशिश करता है, एक ये बात देखनी होगी। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो प्रस्ताव ला रही है, जो अपने उन्होंने काम किए हैं, उनके जरिए वो कितना लोक लुभावन नारे देते हैं, कितना उनको आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, दांव किसका आखिरी सही बैठता है, ये बात सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रेम कांत जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि विश्वास आखिर होगा कि नहीं। राहुल गांधी की जो न्याय योजना है उसका आपने जिक्र किया और उसको लाके अखिलेश यादव तक आपने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया, बिल्कुल ठीक बात है। उत्तर प्रदेश में देश में सबसे पहले फ्री बिजली का कॉन्सेप्ट लेकर आए अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में अप्लाई किया और जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चुनाव लड़ने आए तो दोनों जगह उन्होंने इस बात का ऐलान किया, पंजाब में भी ऐलान किया। उत्तर प्रदेश में दिल्ली के बाद सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ऐलान किया कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उसके बाद समाजवादी पार्टी को भी यह कहना पड़ा कि भाई हम भी किसानों को पूरी मुफ्त बिजली देंगे और घर वालों पर विचार करेंगे, और बाद में अंततः अखिलेश यादव को 300 यूनिट बिजली का वादा करना पड़ा क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये बात कही थी। कांग्रेस पार्टी भी मुफ्त बिजली उस पर आई, ये जो जन सरोकारी मुद्दे अंततोगत्वा आए। लेकिन आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को मानती कि ये सत्ता से काफी दूर हैं, इसलिए इनकी बात उतनी प्रभावकारी तरीके से शायद कम्युनिकेट नहीं होगी। लेकिन अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी में मुकाबला सीधा है, इसलिए क्या आपको लगता है कि जो अखिलेश यादव की ये बातें हैं, चाहे अन्य संकल्प हो, चाहे मुफ्त बिजली हो, चाहे पेंशन योजना हो, क्या ये दूसरे विपक्षी दलों के मुकाबले ज्यादा असरकारक हो सकते हैं? प्रेम कांत जी, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने दूसरी पार्टियों को, दूसरे राजनीतिक दलों को बहुत पीछे छोड़ दिया है, ये बात तो सही है जी। लेकिन जो सामने टक्कर है जिस पार्टी से, उस पार्टी का जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है और उस पार्टी का जो कैडर है, उसको आप हल्के में नहीं ले सकते जी। और कहा भी ये गया है कि प्रतिद्वंदी को कभी भी आप जो है हल्के में नहीं लेना चाहिए आपको जी। तो निश्चित रूप से जहां पर रणनीतिक तौर पर, संगठित तौर पर और संगठन के आधार पर जो एक रणनीति होनी चाहिए, एक यही सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी में सबसे बड़े नेता हैं और अखिलेश यादव अकेले हैं। कितने लोगों के अंदर अखिलेश यादव वो शक्ति, वो प्राण, वो ऊर्जा भर सकते हैं कि वो जाकर के अखिलेश यादव की बात से लोगों को कन्विंस कर सके। जबकि दूसरी तरफ देखिए तो भारतीय जनता पार्टी में वो जो मशीनरी है वो उनकी बहुत तेल और कहना चाहिए कि पुर्जे कसे हुए हैं और तेल भी को पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर अखिलेश यादव को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मेरा ये एक जरूर सुझाव है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और पूर्व में बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव ने अकेले दिखा दिया कि भाई चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे नेक टू नेक लड़ाया जाता है। पूरी मशीनरी वहां भी थी, भारतीय जनता पार्टी की भी थी, वहां का जेडीयू भी था जो उनका सीधा प्रतिद्वंदी है, उसके बाद भी बिल्कुल नेक्ट नेक चुनाव और जबरदस्त चुनाव लड़के तेजस्वी यादव ने दिखाया इस बात को। नहीं, उस लेवल पर तो मैं ये बात जरूर कहूंगा कि अखिलेश यादव भी अपने आप को उस स्तर पर ले आए हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के माथे पर इस समय चिंता की लकीरें हैं अखिलेश यादव को लेकर के, समाजवादी पार्टी को लेकर के, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो एक कैडर और संगठित कैडर, अनुशासित कैडर, प्रेम कांत जी उस बात की आप, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। निश्चित तौर पर टक्कर बड़ी जबरदस्त है और जो सामने वाला जो प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी बहुत सुसंगठित है, संघ है, और तमाम जो उनका जो अपना मशीनरी है, संसाधन भी बहुत ज्यादा है उनके पास, तो निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया सकता। और भारतीय जनता पार्टी के एक अंदर एक क्षमता है कि आखिरी समय वो दांव पलट देते हैं। अब तक आधुनिक राजनीति में सबसे बड़े खिलाड़ी वो माने जाते हैं, आधुनिक भारत की जो राजनीति में है वो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो निश्चित तौर पर आपने जो बात कही बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। करना चाहूंगा, मैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के पास में ये तो दांव है कि वो ऐन मौके पर कौन सी बिया वो खोल करके दे देते हैं आपको, इससे
एक हमेशा एक संशय बना रहता है, एक हमेशा इस विपक्षी दलों को एक चिंता बनी रहती कि वो कौन सा। ठीक बात है, ठीक बात। तो एक और बहुत जल्दी में एक बहुत महत्वपूर्ण और सवाल है कि क्या जो जन सरोकारी राजनीति की पहल हुई, चाहे वो आम आदमी पार्टी ने की हो, उसके बाद अनुसरण अन्य दलों ने किया हो, समाजवादी पार्टी ने किया हो, क्या जो सत्ता दल है उसको इस तरह की जन सरोकारी पॉलिटिक्स की तरफ आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? क्या इस तरह की चीजें वो पहल करेगा? क्या ऐसी संभावना है क्या कि विपक्ष का जो दबाव है उसको लेकर वो सत्ता दल भी अपने घोषणा पत्र में इस तरह के मुद्दों को शामिल करे? बहुत सारी स्कीम्स ऐसी गिना देंगे कि हमने उज्ज्वला योजना दी, हमने बिजली के कनेक्शन फ्री में दिए, हमने आवास दिए और हमने पानी पहुंचाया, ऐसी वो बहुत सारी योजना बता देंगे। और हमने इतनी जगहों पर सड़कें बनवा दी और सिंचाई के आंकड़े, देखिए सरकार जो है बहुत कुछ आंकड़ों से खेलती है और उसके ऊपर भी वो सबसे तुरुप का पत्ता जो उनका चलता है वो डबल इंजन की सरकार की बात जो कहते हैं, तो वो एक ऐसी राजनीति को बड़े सोचे समझे तरीके से घेरते हैं अपने विपक्षी को कि आप देख लीजिए कि अभी हम आपसे पहले की भी चर्चा सुन रहे थे कि प्रतीक यादव के खिलाफ जो है वो आय से ज्यादा इन स्रोत जो है उनसे ज्यादा संपत्ति है इसके लेकर के, और उन्होंने अपर्णा ने ज्वाइन कर ली, तो आखिर ऐसी क्या बात है, उन्होंने राष्ट्रवाद की बात कही और मोदी और योगी से आकर्षित होने की बात कही है, तो कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, ये सब उनके पास तैयार रहते हैं और वो जानते हैं कि हमें अपने विपक्षी को कैसे घेरना है। अब रह गया अखिलेश का मामला, तो जी आप कुछ कह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कीजिए, एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है, ये भारतीय जनता पार्टी ने इस तस्वीर को ट्वीट किया है, हमारे सहयोगी उस तस्वीर को दिखाएं, बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है पॉलिटिकल राजनीतिक दृष्टि से। अपर्णा यादव को इस तस्वीर में भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट किया है और कहा है सुरक्षा जहां बेटियां वहां, सुरक्षा चक्र की एक तस्वीर ट्वीट की है बीजेपी ने। अभी कुछ जगह इसमें एक तीसरी बेटी भी आ गई है, अदिति सिंह जो कांग्रेस में थी, मरहूम विधायक अखिलेश सिंह की बेटी है, रायबली सदर से वो विधायक, बाहुबली हुआ करते थे, उनकी बेटी को भी कुछ जगह हम अभी ट्विटर पे देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक इसमें इन दो तस्वीरों के बीच में अदिति सिंह की तस्वीर लगाकर भी ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इन्हीं दो महिलाओं की तस्वीर की गई है, ट्वीट की गई है। यह अपर्णा यादव है, आज ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है और शामिल होने के बाद जो सारा कुछ यादव परिवार के सदस्य होने के नाते जो इन पर सारा जो कुछ आरोप प्रत्यारोप थे वो भारतीय जनता पार्टी में आते ही इन बिल्कुल खत्म हो गए। और ये दूसरी महिला हैं संघमित्रा मौर्या, बदायूं से सांसद हैं, और जो स्वामी प्रसाद मौर्या जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, मंत्रिमंडल छोड़कर अखिलेश यादव के पाले में चले गए, उनकी बेटी हैं। सुरक्षा चक्र, भारतीय जनता पार्टी ने ये आज ट्वीट किया और ये सुरक्षा चक्र की बात कही कि सुरक्षा जहां बेटियां वहां, इसका मतलब कि बाकी पार्टियां गुंडों की पार्टियां हैं, गुंडे लफंगे हैं, इसलिए उनके यहां बेटियां सुरक्षित नहीं, वहां से निकल कर आ जाती हैं तो यहां भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित हो जाती हैं। प्रेम कांत जी, इस पोस्टर जो नया जारी किया गया है इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे, और क्या भारतीय जनता पार्टी में ही बेटियां सुरक्षित हैं, और क्या भारतीय जनता पार्टी में जो पहले से बेटियां हैं वो क्या पोस्टर में आने लायक नहीं थी? उस बात पर भी मैं आ रहा हूं, लेकिन इसके पहले मैं आपको और एक बात बताऊं कि अभी एक और चैनल में घंटे भर पहले मैं मौजूद था, तो उसमें भी एक ये मुद्दा आया और वहां पर ये आया कि भाई भाजपा का जो आईटी सेल है वो देखिए किस तरह से काम करता है, और उसने तो और भी मीम वगैरह बना करके भेजना शुरू कर दिया, और उसमें ये कि जो पुराना फोटो था जिसमें मुलायम सिंह यादव नरेंद्र मोदी के कान में कुछ कह रहे हैं, कहीं गले मिल रहे हैं, तो उसमें मीम ये आ गया कि भाई देखिए ऐसा करो, जो कान में कहने वाली बात है कि उसमें मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कि डिंपल को भी अपनी पार्टी में ले लो, तुम्हारे यहाँ बेटियां बहुत सुरक्षित हैं, हमारे यहाँ तो लड़कों से गलतियां हो जाती है, समझे? इस तरीके की मीम भी चलने शुरू हो गए हैं।
तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस तरीके से वो लोग आईटी का और सोशल मीडिया का एप्स का जिस तरीके से वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये विनोद का विषय हो सकता है, ये मनोविनोद का विषय हो सकता है। इस तरह की जो आईटी सेल के जो कारनामे हैं इनको मैं मनोविनोद का विषय मानता हूं, ये सीरियस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है प्रेम कांत जी। लेकिन जो मैंने बड़ा गंभीर सवाल उठाया कि क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसी बेटियां नहीं जो पोस्टर का हिस्सा बने, और क्या यहां पर आते ही वो सुरक्षित हो गई, इससे पहले सुरक्षित नहीं थी, क्या इसके पीछे संदेश नहीं है कि जो संघमित्रा मौर्या के पिताजी चले गए हैं विरोधी खेमे में, तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाई महिला और ओबीसी ये वर्ग हमारे साथ में है। अपर्णा यादव भी यादव हैं, शादी से पहले बिस्ट हुआ करती थी, तब वो अपर कास्ट में थी, लेकिन अब वो ओबीसी में आ गई हैं। तो क्या ये दिखाने की कोशिश नहीं की गई कि ओबीसी और महिला इनकी सबसे बड़ी हितैषी भारतीय जनता पार्टी है? आप एक बात को और गौर कीजिए कि आजकल आप भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में भी कोई महत्वपूर्ण बैठक होती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो उस बैठक में शामिल ही होते हैं, लेकिन इनके पास जो बैकवर्ड में एक बड़ा चेहरा जो 5 साल तक उतना सक्रिय नहीं रखा गया, लेकिन आज अगर देखिए तो हर मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री है वो शामिल किए जा रहे हैं। तो इससे हम और आप ये बेशक समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि ओबीसी का वोट कितना महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वोट ओबीसी का ही है। तो इस लिहाज से ये भी बात आई कि संघमित्रा मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मुझको बेटी कहा, और इस बात को बहुत प्रचारित किया जा रहा है, इस बात को बहुत प्रसारित किया जा रहा है। तो कोशिश तो सारी की सारी यही है कि जो लोग छोड़ करके पार्टी चले गए उनको ये बताया जाए कि वो दूसरी पार्टी से आए थे, अति महत्वाकांक्षी थे, अपने घर के और सदस्यों के लिए प्रत्याशी का टिकट चाह रहे थे, इस लिहाज से जब उनकी वो बात नहीं मानी गई तो वो चले गए, और वो आज यहाँ गए हैं तो कल कहीं और चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया प्रेम कांत जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें महत्वपूर्ण समय दिया और हमारे दर्शकों को बहुत अनछुए पहलू, राजनीति के बड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की तरफ हमारे दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया, हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण सारी बातें बताई। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कांत जी ने जिस तरीके से कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है, जो सिस्टम है, बड़ा मजबूत है, उससे लड़ाई करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन एक बात कहते हैं ना कि जो शिवाजी भी गोरिल्ला युद्ध लड़ते थे, बहुत लंबी सेना फौज फाटा उनके पास नहीं था, तब तो आईटी सेल भी नहीं हुआ करता था, गोरिल्ला युद्ध लड़के उन्होंने अपने दुश्मन पर विजय प्राप्त की। तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है ताकतवर विरोधी को मात देना, खाली शिवाजी जैसा जज्बा होना चाहिए।